संवेदना शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी संस्था में आए हैं वहाँ पे दिव्यांग शब्दों को सार्थक किया गया है। यह है संस्था डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया संचालित दिव्यांग बच्चों की शाला। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की, हॉस्टल में रहने की, हॉस्पिटल में सारवार की, फिजियोथेरेपी, तालीम सेंटर जैसी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। चलिए हम लोग मुलाकात लेते हैं ऐसी ही संस्था की। चार बच्चों से शुरू किया, एक टेबल और कुर्सी थी। कलु सर हमारे प्रेसिडेंट थे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे साथ प्रेसिडेंट की तरह नहीं परंतु एक पिता की तरह मुझे बड़ी बेटी मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सेवा यज्ञ में हमसे जुड़े रहें और ये बच्चों का अच्छी तरह से सेवा करना है। तो मैंने बोला मेरी कोई भी कमी उनमें नहीं आएगी, मैं करूँगी। तो पहले तो बहुत मुसीबत पड़ी, बच्चों को लाना ले जाना, उसका नाश्ता देना, नहलाना, पढ़ाना, सब ऐसी चीज़ें खुद को ही करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी हमने हौसला बढ़ाए रखे और सब बच्चों को वन स्टैंडर्ड से लेकर एट स्टैंडर्ड तक शुरू किया। और अम्बा नगर कापड़िया हेड क्लब भटार में तोरण एक से सात शुरू किया, फिर क्रमिक 8, 9, 10 शुरू किया।
साल से जुड़ी हूँ। मैं 1997 से इस दिव्यांगजनों की परिसर में अपनी सेवा कर रहा हूँ और मुझे ये बच्चों को 1 से 8 तक की संस्कृत और गुजराती विषय में बच्चों को सिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे इतने होशियार हैं कि कोई कोई बच्चा तो बहुत ही ब्रिलियंट है, चाहे मगज से थोड़ा कमजोर है लेकिन वो पढ़ने में बहुत आगे निकल जाता है। ऐसे बच्चों पर मुझे बहुत गर्व है। आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे और कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे? मैं वल्लभाचार्य में पढ़ती थी और 4 तक वहीं तक पढ़ी और आज आप डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट में पढ़ रही हूँ। आपको वो स्कूल में और ये स्कूल में कौन सा डिफरेंस है? वो स्कूल में कोई बताए सब लोग मजाक उड़ाते थे, स्कूल में हमारी बहुत अच्छी सेवा करते हैं और हमें अच्छा पढ़ाते हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो लोग वो स्कूल में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, स्कूल में मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और मुझे यहाँ में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? रंग। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 6। आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पढ़ना और मस्ती करना। मस्ती करना? क्या मस्ती में क्या करते हो? खेलता रहता हूँ रिसेस में। और कुछ? यहाँ खाना कैसा मिलता है? अच्छा। घर में मम्मी बनाती है ऐसा कि उससे भी अच्छा? उससे भी अच्छा। फिर आपकी टीचर सबसे फेवरेट कौन है? गीता टीचर। क्यों, वो ही क्यों फेवरेट? अच्छा, हमारे अच्छी देखभाल करती है और हमको सारी तरह से पढ़ाती है। आपको स्कूल पसंद है आपकी? यस। तेरा नाम क्या है बेटा? मिसे। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड 6। और आपकी स्कूल का नाम क्या है? आपको आपकी स्कूल पसंद है? हाँ। कितनी पसंद है? आई लव माय स्कूल। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी तल्लीका बेन बी ठाकुर है। आप ये संस्था से कब से जुड़े हो? मैं जब से स्कूल स्टार्ट हुई मतलब 1997 से 21 साल से यहाँ सेवा कर रही हूँ। ये स्कूल में जब से आई तब से मैथ्स और साइंस 2 सब्जेक्ट प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रही हूँ और मैंने 10 साल तक प्राइमरी सेक्शन में इंचार्ज प्रिंसिपल तरीके भी कामगिरी की है। और मैं ये संस्था के बारे में कहना चाहूँगी कि मेरी संस्था के प्रेसिडेंट जो कन्हू भाई टेलर साहब है, जो खुद दिव्यांग है, उनको वो दिव्यांग है तो हम जैसे दिव्यांग, मैं खुद भी दिव्यांग हूँ, तो हमारे साहब हमारे लिए छोटे से छोटी चीज़ की भी मतलब कमी नहीं रहने देते। जो भी तकलीफें होती है सबको देख के पहचान लेते हैं और जितना पॉसिबल हो उतना सबको अच्छी तरह से सुविधा मिले सब ऐसा प्रयत्न करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं मेरे दिव्यांग भाई बहनों की ओर से मेरे सर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे जैसे सब दिव्यांग बच्चों को यहाँ आके सब इतनी खुशी मिलती है। मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ जब मेरे बच्चे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी दिव्यांग नहीं हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी हमारे साहब को बोल दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी तब तक मेरे दिव्यांग बच्चों के साथ व्यतीत करूँगी। मेरा नाम धर्मिष्ठा ठाकुर है। आप ये संस्था से कब से जुड़े हो? मैं 1999 से करीबन 20 साल से स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। ये स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे ये बच्चे डिसेबल नहीं हैं बल्कि डिफरेंटली एबल है। दे हैव सो मैनी टैलेंटेड, दे आर सो स्मार्ट,
Mostly they are from slums areas, but they have so talented. We can't get any kind of support from parents. We have to do so many works with them, but I have satisfaction. I heartily thankful to my sir, President Mr. Karumbhai Taylor, to give me this opportunity to serve for these differently abled children. आप ये संस्था से कब से जुड़े हो? शुरुआत से, जब से संस्था शुरू हुई है तब ही से मैं साथ में हूँ, लगभग 97 से, और 21 साल हो गए मुझे। और इस स्कूल में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग नॉर्मल स्कूल में तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन डिफरेंट बालकों को पढ़ाना मतलब में एक चैलेंज होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को पढ़ा कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और मेरे हिसाब से मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जो संस्था के प्रमुख श्री हैं कन्नूभाई टेलर, वो खुद भी एक दिव्यांग है, और दिव्यांग होते हुए इन दिव्यांग बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी तो प्रगति हो ही रही है, साथ ही साथ में संस्था के जो शिक्षक हैं मेरे जैसे, तो उनकी भी प्रगति इसी संस्था से हुई है। और मैं उनका बहुत आभार मानना चाहती हूँ कि उन्हीं के हिसाब से, आज आर्थिक हिसाब से मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन उनके प्रोत्साहन से आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मुझे बहुत खुशी है कि इन बच्चों की सेवा से और कन्नूभाई जी का साथ से आज मैं संस्था में बहुत आगे बढ़ गई हूँ, और उनका मैं आभार मानना चाहती हूँ। बच्चों का पूरा सपोर्ट, स्टाफ का सपोर्ट से मुझे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई है।
और मैं इस तरह से एडजस्ट हो गई हूँ जैसे पहले से मैं यहीं पे जॉब करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम वैष्णव संजय भाई। मैं इस स्कूल में पहली कक्षा से और बारहवीं कक्षा में आ गई हूँ। मुझे यहाँ मुझे चाहिए थी उसकी सभी फैसिलिटी मुझे यहाँ मिल रही है। मैं जो बोलूँ वो सब मुझे यहाँ मिल रहा है और मुझे मैं कहूँ वो मुझे यहाँ सभी सुविधा मुझे यहाँ मिल रही है। आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? और अब आप ये स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको क्या अलग लग रहा है? यहाँ पर जो मेरे सारे मेरे जैसे लगते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए और मुझे सब यहाँ अच्छे लगते हैं। बेटा आपका नाम? आप ये स्कूल में कौन कब से पढ़ रहे हो? पहले से। और आज आप कौन से स्टैंडर्ड में आ गए? 12। आपको आपके स्कूल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुविधा अच्छी मिल रही है। आपका नाम? वासुदेव लक्ष्मण। पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे? मैं वराछा में मारुति विद्या संकुल में पढ़ रहा था। वहाँ पर मैं नॉर्मल स्कूल के नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ रहा था। कौन सी कक्षा तक? मैं 10वीं कक्षा तक वहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ये संस्था के बारे में आपको माहिती कैसे? ये संस्था की माहिती मुझे यहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा था वो उसके मामा ने मेरे पीछे वाले गली में रह रहा था उसने मुझे स्कूल किया। आपको कैसा लग रहा है स्कूल में पढ़ा? मुझे स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर विकलांग हैं और उसके साथ मेरा रहना और उसके साथ मेरा खाना सब और पढ़ाई भी सबसे अच्छी हो रही है। आपको ये संस्था के बारे में माहिती कैसे? मैं सुनकर रहता हूँ। मैं सुनकर वहाँ पर प्राथमिक में पढ़ता था। वहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ होती थी लेकिन बचा में पढ़ता था वहाँ पे जो सर टीचर रहते थे वहाँ से मुझे यहाँ का पता मिला और मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे सब सुविधा मिलती। मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहता हूँ और मैं इधर बारहवीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैडम, ये संस्था को चलाने को आपको आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है? आपका बहुत अच्छा ये सवाल है। ये संस्था को चलाने में हमारे जो भी टीचर हैं उसका 1 से 12 तक की स्कूल है उसका टीचरों का पगार हमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा मिल रहा है। जो 1 से 8 तक का है वो सोशल जस्टिस और जो डिपार्टमेंट है गांधीनगर में वहाँ से और 9 से 12 तक का जो एजुकेशनल बोर्ड है वहाँ से उनकी सैलरी होती है डायरेक्ट ग्रांटेड के तोरण पे। और जो BCA कॉलेज है वो एम्प्लॉय उसका हमको रिलायंस की ओर से उनका पेमेंट उसकी सैलरी दी जाती है तो हम रिलायंस के में से देते हैं। और ये जो पूरा जो तंत्र चलता है वो लोक भागीदारी से चलता है। यहाँ पे समाज के कोई ना कोई लोग आके ये बच्चों को के साथ अपना समय बिताते हैं। और हमारे सर का भी एक ऐसा मानना है कि पैसा देने से ज़्यादा कोई आंगड़ी या उंगली चीनने का काम करे वो भी बहुत बड़ा है। तो कोई भी आता है तो हम लोग पैसा कम पर हम लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है तो वो हंसी खुशी से 2 चीज़ मांगी होगी तो 10 चीज़ आगे भी हमें दे देगा क्योंकि ये चीज़ हम बच्चों लोग के दिव्यांग बच्चों लोग के लिए ही हम लोग उपयोग करने वाले हैं। Thank you.
मैं बीएससी एमए ग्रेड जून 1957 से पूर्व में दाखिल हुआ जब मेरा सैलरी साहब ने 800 रुपये था। मैं 2001 में 10वीं क्लास की पहली बैच आई थी जिसमें 16 विद्यार्थी थे। इसका रिजल्ट 80% पसंद लाया था और गर्जरा मिश्रा नाम की लड़की थी तो मैं इसने 100 में से टॉप मंगाई थी। उसका रैंक बढ़ा था। अभी वो टीचर बच्चों की स्कूल में बूझ में वो टीचर के लिए जॉब कर रही है और मेरे पास से जो विद्यार्थी पास होकर आगे गए हैं कोई इंजीनियर बने कोई डॉक्टर बने कोई रिसर्च प्लाज्मा में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है और इसका सैलरी है 95,000 और दूसरा लड़का है वो यूपीएससी पास कर रहे हैं। लड़का ने यूपीएससी पास करके समस्त लड़का खाता में वो पैसों तरीके सर्विस कर रहे हैं। कई बच्चे आईटीए किए जो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं बीसीए करके जो बच्चे आगे गए वो रिलायंस रिप्को एसआरबी कंपनी में कुछ नौकरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमने हमारा सर जो अनुभाई टेलर है उसमें काम करते हैं उसके जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए पूरा स्टाफ सहयोग देकर उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा है। मैं पहले नॉर्मल की शायद में पढ़ती थी अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मैं मेरा डिग्री मोरान ने सम्मान किया था और वहाँ मुझे कमी सर ने बताया था कि मेरी सूरत में विज्ञान वालों को पसंद आए उसमें तुम पढ़ने आना तुम्हें अच्छा लगा इसलिए मैं जब मैं 2017 में ये स्कूल देखने आई थी और ये स्कूल में मुझे यहाँ के अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया और मुझे यहाँ तक खूब अच्छा लगा। वहाँ नॉर्मलों के बीच रहकर मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस होती थी और यहाँ मेरे जैसे बच्चे देखते हैं मुझे अच्छा लगता है। आपका नाम? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़ से? ये स्कूल में कैसे आए? मैं टीवी के नंबर द्वारा 2016 में आया हूँ। कैसे? टीवी के नंबर द्वारा और जो समाचार वो आते हैं ना संस्था उसके बारे में मेरे को पता चला तो आपके मम्मी पापा ने आपको यहाँ भेजा। हाँ ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ भेजा तो मैं भी आया मेरे मम्मी पापा भी आए और उसमें एक दिन का रास्ता था यहाँ आने तक। फिर यहाँ से रेखा टीचर जो थी उससे मेरे मम्मी सुबह पहुँचे तो उससे फ़ोन करने कॉल करे तो फिर उससे बात होकर एक रिक्शा वाला था उसके साथ हम लोग आए। यहाँ का संस्था का नाम पता चला यहाँ से ना यहाँ आकर मेरे डॉक्टर से मिलने गए यहाँ से मेरे को लेगा डॉक्टर से मिलने गए। फिर उसने बोला हाथ का ऑपरेशन करवाना है तो ये देखकर वो ना नहीं बोल दिया ये हाथ का ऑपरेशन नहीं होगा। फिर वहाँ से वापस आए फिर शाम को यहाँ से चले गए अपने। आप इस संस्था में पढ़ने कैसे? इस संस्था में जब मेरे मम्मी पापा लोग बोल रहे थे जाओ वहाँ अच्छा है तेरे जैसा ऐसा लड़का भी है लड़की भी ऐसा है तो वहाँ जा वहाँ तेरे भविष्य बन जाएगी ऐसे बोलकर मेरे को यहाँ भेजे। बेटा आपका नाम? मेरा नाम पारिक सिंह मनीष भाई है। मैं स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ मुझे अच्छा फील होता है क्योंकि यहाँ सब मेरे जैसे है क्योंकि मुझे अपनापन फील होता है इसलिए। तो पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं पहले सूरत के लाल दरवाज़ा में आई लीलाबा स्कूल में पढ़ता था वहाँ सब मुझे चिढ़ाते थे इसलिए मुझे इस स्कूल का पता चला तो मैं यहाँ आया। और आपको इस स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पढ़ाई भी करते हैं और साथ में म्यूजिक रूम है ऐसा आदि आदि सब है इसलिए मुझे अच्छा लगता। तो मस्ती करना नहीं पसंद है? मस्ती करना तो सबको पसंद होता है इसलिए मुझे भी पसंद। आप मस्ती करते हो? हाँ। किसकी कैसी मस्ती करते हो? तो एक दूसरे को सताना मारना ऐसे मज़ा आता है उसमें? हाँ बहुत मज़ा आता है उसमें क्योंकि यहाँ अपनापन फील होता है दोस्तों के साथ। वो बात बहुत सही है।